फिल्म मेकर साजिद खान ने जब से रियलिटी शो बिग बॉस 16 में एंट्री ली है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है। साजिद खान को खूब ट्रोल किया जा रहा है। बावजूद इसके साजिद अभी भी शो का हिस्सा है। साजिद इस बार नॉमिनेट है, लेकिन वोटिंग लाइन भी बंद कर दी गई है। ऐसे में उन्हें निकालने की कोशिश 10 हफ्ते से जारी है और नाकाम रही है। जो अभी भी फिल्म मेकर के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें अब झटका लग सकता है, क्योंकि सुनने में आया है कि साजिद खान अभी बिग बॉस हाउस में लंबे टिकने वाले हैं। वो रियलिटी शो से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। बिग बॉस फैन क्लब पर साजिद खान के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बड़ी डिटेल सामने आई है, जिसके मुताबिक वो 15 जनवरी 2023 से पहले शो से निकाले नहीं जा सकते हैं। रियल खबरी नाम के इंस्टा अकाउंट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि साजिद खान की शो में टिकने की मिनिमम गारंटी 15 जनवरी 2023 तक है, इसलिए इस तारीख तक वो शो से बाहर नहीं हो सकते। मेकर्स साजिद खान को एक्टिव नहीं कर सकते। आपको बता दें कि साजिद खान इस वीक नॉमिनेट भी है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, मगर साजिद खान के हेटर्स को ये न्यूज़ जानकर धक्का जरूर लगेगा। वायरल पोस्ट पर भी ट्रोलर्स रिएक्ट करते हुए साजिद खान को शो से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। कई लोग ये पूछते दिखे कि ये मिनिमम गारंटी क्या होती है। कईयों का मानना है कि साजिद खान के शो से निकलने के बाद निमृत कौर अकेली हो जाएंगी, फिर उनकी मंडली टूटेगी। ऐसे में क्या पता निमृत अकेले खेलना शुरू कर दे। खैर, ये सब अभी अनुमान ही है, क्योंकि साजिद खान अभी भी शो में बने हुए हैं। उनका गेम लोगों को पसंद भी आ रहा है। साजिद का फन साइड पसंद किया जाता है, पर कभी कभी वो अपनी मर्यादा पार कर जाते हैं। जैसे इन दिनों साजिद खान को अब्दुल रोजी की पीठ पर कुछ गलत भाषा लिखने पर ट्रोल किया जा रहा है। साजिद की ये मस्ती लोगों को हजम नहीं हो रही। यूजर ने साजिद खान के खिलाफ सलमान खान से एक्शन लेने की अपील की है। लोगों का ये भी अनुरोध है कि अब्दुल रोजी को साजिद की संगत से अलग किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड के वार में साजिद खान इस मुद्दे पर बात करते हैं या फिर नहीं।